ताइक्वांडो सीख रहे हैं। लोग जो लोग तंग करेंगे उनको मारूंगा। बड़े होके क्या बोलते हैं? बड़े होके तो चीज टेन चेंज होती जाती है दिमाग की ब्रेनिंग में। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज सेल्फ डिफेंस सबसे पहले और फिर उसके बाद मुझे शौक भी है देन फाइट तो सारा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं और बहुत सारे मेडल्स लिए हैं। अब तो याद भी नहीं है इतने ज़्यादा ले चुकी हूँ। नहीं मतलब इतने ज़्यादा नहीं मतलब ले चुकी हूँ तो अभी याद तो नहीं है लेकिन सिल्वर गोल्ड मतलब सारे। आगे टाइकोंडो में ही जाना चाहती हूँ। आगे का सोचा नहीं लेकिन आई विल कंटिन्यू टाइकोंडो। किकबॉक्सिंग में भी मैंने गोल्ड मेडल्स लिए हैं बट किकबॉक्सिंग से ज़्यादा मुझे टाइकोंडो अच्छी लगती है बिकॉज उसमें किक्स वगैरह होती हैं सर। जैसे आप ज़्यादातर लोग शोज़ वगैरह पर जाते हैं उसको दिखाते हैं उसका डेमो बहुत अच्छा होता है। मुझे उसका डेमो करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे पुमसा ज़्यादा करते हैं। कोविड की वजह से काफ़ी बच्चों की गेम बहुत ख़राब हो गई क्योंकि ना कोई फिटनेस गेम कर रहे थे ना ट्रेनिंग हो रही थी तो इसकी वजह से बच्चों का गेम बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन ये है कि अभी इंशाल्लाह तो मेरे मेहनत है कुछ बच्चों की मेहनत है तो इंशाल्लाह दोबारा अपनी जगह पे आ सकते हैं। तो सर मुझे अब एक टूर्नामेंट में लेके गए थे। अब मैंने परसों चैम्पियनशिप में जाना है। इंशाल्लाह मैं जीतूंगा फिर से। और सर बहुत अच्छा हमें ट्रीट करते हैं और ये हमें बहुत अच्छी गेम सिखाते हैं। अभी मैंने मेडल वाले में जाना है चैम्पियनशिप में परसों। मैं बड़े होकर आर्मी या एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। मैं 3 साल गेम खेल सर ने मेहनत कराया था गोल्ड मेडल। मैं 3 साल से खेल अब तक 3 मेडल जीता हूँ मुख्तलिफ इवेंट में। मोहम्मद हफीज़ अभी तक तो 5 जीता है लेकिन 3 साल हो चुका है। इस जैसे गेम हमने देखी नहीं लेकिन फ़िलहाल अच्छी गेम है हमारे क्लब में क्योंकि इधर से बहुत लड़के ऐसे हैं जो अभी तक मेडल जीता है। बड़े होंगे फाइटर बनेंगे किसी और को सिखाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंटरनेशनल खेलने की इंशाल्लाह उम्मीद है। मेरा नाम इफ्तिखार खान है। मेरे तो 3 साल हो गए खेल रहा हूँ। अब तक मैंने 3 मेडल जीते और ताइक्वांडो भी खेलता हूँ और किक बॉक्सिंग भी खेलता हूँ। किक बॉक्सिंग में जो खेल होते हैं वो सीरियस मज़ा आते हैं उसमें। इंशाल्लाह इंटरनेशनल खेलने का उम्मीद रखते हैं हम और सर की मेहनत से इंशाल्लाह इंटरनेशनल तक पहुँच जाएंगे। जैसे सर हमें गेम दे रहा है इस तरह अगर हम आगे 1-2 महीने तक करेंगे तो इंटरनेशनल में पहुँच जाएंगे। काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है लेकिन मेहनत जब करेंगे तो जो काम दिल से करेंगे तो वो आपको अल्लाह आसान कर देगा। वो हमारे पार्टी हमारा 16 जनवरी का हमारी इंशाल्लाह चैंपियनशिप है। ईद है इंशाल्लाह हमारे गोल मजालिस और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20-25 स्टूडेंट है। मेरा असल में G11 में भी हमारे क्लब है G8 में भी हमारा क्लब है लेकिन मेरे पास जो पूरी टीम के साथ हमारे गो फास्ट के नाम से पूरे इस्लामाबाद में हमारे पास 600-800 लड़के हैं हमारे पास। हम इस्लामाबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन के साथ खेल रहे हैं लेकिन इसमें हमने अपना गो फास्ट का फेडरेशन के हमारे साथ उसके साथ हमने रजिस्टर करवाया क्लब। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी मेहनत करेगा उतना आगे निकल सकता है लेकिन हमारे पास अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत उस अंदर बहुत टैलेंट है। नेशनल गेम इस्लामाबाद में भी होती है हमारे फेडरेशन हमारे साथ चल रहा है सही लेकिन हुकूमत की तरफ से हमारा थोड़ा सा वो है कि वह मैं थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उसको क्योंकि उसको बिल्कुल नीचे रखा हुआ। जिस तरह क्रिकेट है क्रिकेट को हर कोई सपोर्ट करता है लेकिन हमारे ताइक्वांडो को अभी तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं। हुकूमत से ये मेरा मतलब मुतालबा है कि हमें एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए क्योंकि हम इधर के अब गेम नहीं करवा सकते क्योंकि हम लोग हमारी मजबूरी है तो हमें बस थोड़ा सा प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है।
तक पूरा मेरे पास पूरे टीम नेशनल के लड़के भी मेरे पास है जिन्होंने मेडल लिए थे और नेशनल में भी लिए थे। इंटरनेशनल के लिए तो हर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट होनी चाहिए। क्वालिफाई भी कर लेगा थोड़ा सा इसमें स्पॉन्सर वगैरह मिल जाए तो फिर कर सकते बच्चे। असल में हमने सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो कोरियन से मार्शल आर्ट का, हमारा जो ताइक्वांडो गेम हो सबसे ज़्यादा खेलने वाले कोरियन में।